की कथा कहती है दर्पण इतना बड़ा ले लो, बंदर वाला अगर दर्पण वाली नहीं तो इतना बड़ा दर्पण लो, हनुमान जी के मंदिर में जाकर, क्योंकि हनुमान शंकर का ही अवतार है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के उल्टे पांव का थोड़ा सा सिंदूर, चरण का थोड़ा सा सिंदूर एक कागज में लेकर आ जाइए, और हनुमान जी के छोटे भाई, हनुमान जी छह भाई हैं उसमें गतिमान, हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान का नाम लो, और गतिमान का नाम लेकर उस दर्पण पर सिंदूर से त्रिशूल बना दो, सिंदूर से त्रिशूल बनाकर उस दर्पण को घर के बाहर, दर्पण का मुख बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर मुख करकर दर्पण को घर के बाहर या दरवाजे पर, बिल्डिंग पर, ऊपर जाली में, फ्रंट में, कहीं पर भी उसको लगा दीजिए। महाराज केवल शंकर का स्मरण कर गतिमान का नाम लेकर हनुमान के उल्टे पांव का सिंदूर का त्रिशूल बनाकर जो दर्पण को लगा देता है, आपको एक महीने के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि पिछले जो महीने निकले हैं उस महीने का अंदाजा लगाना कि घर में लोग कितने बीमार पड़ते थे और इस दर्पण को लगाने के बाद बीमारी कम हुई कि नहीं।